I'm gonna be daddy. To take my pride away from me. You don't ever listen. So finally do something. Now just exit. तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस वाले एग्जॉस्ट को जो है कट करने वाले हैं, तो देखिए मैंने ग्राइंडर भी लेके आया है और चलिए इस एग्जॉस्ट को कट करते हैं। फिर अपने सुजुकी की जो मैक्स 100 कन्वर्ट इन डर्ट बाइक है, अपनी मैक्स 100 की जो डर्ट बाइक है उसमें इसको फिर बिठाते हैं। फिर अपने पास शोगन वाला मफलर भी है इसके अंदर, तो वो भी इसके अंदर बिठाना है। तो चलिए सबसे पहले इसे कट कर देते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर से क्या साउंड निकलता है। उससे पहले अपनी शोगन जी के यहाँ पर रुकी हुई चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वाले एग्जॉस्ट को कट करते हैं। आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से मैं कट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अपना ग्राइंडर भी तैयार है, अपना एग्जॉस्ट भी तैयार है, तो चलिए इसको कट करते हैं। आप पहले मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ कि इतना मैं कट करूँगा। चिकट टेप लगाता हूँ, उसके अंदर ही हम कट करेंगे। तो हमने कसम खा ली है इस एग्जॉस्ट से अच्छा साउंड निकाल के रहेंगे, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना हो, आप डायरेक्ट देख के कर सकते हो। पहले मैं करता हूँ, फिर आप लोग भी अपने बाइक में इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम इसे किस तरह से कट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस चिकट टेप को जितना हमको कट करना है उतना इस पर लगा देते हैं। तो मैंने ये सब सोचा कि इतना कट करेंगे। तो इतना वाला हिस्सा हम कट करने वाले हैं और इतना ही बचेगा तो काम सुनने के लायक हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना ऐसा कट चुका है, अब सिर्फ इस वाले से वो कट करना है, ठीक है। मेजरमेंट के साथ करेंगे हम लोग।
तो फ्रेंड्स कट तो कर दिया है, देखिए यहाँ से और इस साइड भी देख सकते हो आप, ना था कट कर दिया मगर अपना जो ब्लेड ख़राब हो गया, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से टूट गया, तो ब्लेड लेके आता हूँ। ओके तो पहले इसको निकालना, ऐसे भी अभी मानते कि मफलर की वजह से रुका नहीं तो निकल जाता, अभी मफलर आपको इसका निकाल के बताता हूँ। तो अभी तो दिखाता हूँ, तो देखिए ये हिस्सा तो हमने अलग कर दिया है, ठीक है, इतना सारे से हमने कट कर दिया। ओके तो अब इस वाले हिस्से को जो है निकालना है, देख लीजिए। तो इसको निकालने का एक ही तरीका है, अंदर से हमको इसे पीटना पड़ेगा इस वाले हिस्से को, तभी जाके निकलेगा। तो मैं निकालता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो फाइनली दोस्तों कुछ मेहनत करने के बाद इस तरह से हालत हो गई साइलेंसर की, मगर अंदर का जो है हमने निकाल लिया, देखिए बाहर आ चुका है। सिर्फ अभी से फिर से एक बार लेवल में अपने को कट करना पड़ेगा, तो चलिए इसको कट करके ले जाता हूँ एक अच्छी मशीन के ऊपर से, क्योंकि अपना ग्राइंडर की हालत आपको बता देता हूँ क्या हुई है। ये देखिए यहाँ से अपना ग्राइंडर जो है ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से अपना अभी कट नहीं कर सकते। अपने को बड़ी मशीन के ऊपर जाके इसको कट करा के ले गया था, देखिए कितना सा छोटा सा हो गया, अब आएगा साउंड में मज़ा, ठीक है। तो चलिए इसको कट करके आपके पास आता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इसको निकाल के ले गया था, तो देख सकते हो निकाल दिया और इस हिस्से को पूरा लेवल में कर दिया। तो अभी अपने पास नेक्स्ट जो इसमें काम करना है वो है कि इस कैप को इसमें परफेक्ट फिटिंग कराना है, ताकि लुक बना रहे साइलेंसर का। तो इस वाले हिस्से को थोड़ा हमको चौड़ा करना पड़ेगा, जिस तरह से इस वाले का हिस्सा था। तो इसको देख सकते हो, तो थोड़ा साइड साइड से जो है मोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये वाला हिस्सा इसमें फिट हो जाता। तो इसको भी हमको थोड़ा थोड़ा मोड़ना पड़ेगा, वो पकड़ से हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो इस वाले हिस्से को हम इस पर फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अंदर से आपको एक बार बताता हूँ, ये देखिए फुल्ली ओपन है, थोड़ा टॉर्च लगा के बताता हूँ। ये देखिए तो फुल्ली ओपन है, अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो इस टाइप में अंदर। तो ये पहली टाइम हो रहा है कि सुजुकी के साइलेंसर का अंदर का हिस्सा आपको कोई दिखा रहा है, और ये अपने चैनल पे होगा, क्योंकि सुजुकी के रिलेटेड अपनी वीडियो बनाते हैं और अपने सिवा कोई नहीं बनाता है। तो फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का इसके अंदर तुमने देख लिया होगा। तो अब इसमें हम मफलर यूज़ करने वाले हैं, और शोभन का मफलर यूज़ करेंगे, अलग अलग तरीके के मफलर मैं तैयार करूँगा। तो सबसे पहले अपने को चैलेंज है कि इस वाले टोपन को पहले इस पर फिक्स कर दें, फिर आगे की काम शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों अपना जो एग्जॉस्ट फुल्ली रेडी कस्टम मेड हो चुका है, तो देख सकते हो अंदर से। अब आपको मैं इसको इसका लुक दिखाता हूँ पीछे से, देख लीजिए। तो एंड बोल्ट के जैसा पीछे का शेप रहेगा, सेम एंड बोल्ट चेंबर, और साइड से कुछ इस तरह से प्रॉपर रहेगी।
अब इसे कलर कर लूँगा स्प्रे ला के, फिर आप इसका लुक चेक कीजिए। तब तक ऐसे रखता हूँ, अब जाके स्प्रे ले के आता हूँ और इसके अगली वीडियो में इसको इंस्टॉल भी करके बताएंगे अपने डर्ट बाइक के ऊपर। तो इसके अंदर लगाया मैंने शोवन वाला मफलर, ठीक है। इसके अंदर का आपको देखना है तो अगली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी कि इसके अंदर कौन सा मफलर है, ओके। और ग्लास होल इसमें अभी डाला नहीं, ग्लास होल डालने के बाद भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा साउंड के ऊपर। तो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, खतरनाक दिख रहा है। अभी इस कलर कर दूंगा ना ब्लैक वाला तो और ख़तरनाक लुक आएगा। पीछे से भी आपको लुक दिखा देता हूँ और एक बार, ये देखिए फुली ब्लैक हो जाएगा ना तो एकदम झकास लुक आएगा। तो इसके अंदर कौन सा मफलर बैठा है, क्या बैठा है, वो सब आपको इसके अगली वीडियो में पता चल जाएगा। तो ठीक है, यही था इस वीडियो में। मज़ा आया वीडियो को तो लाइक कीजिए, चैनल करिए सब्सक्राइब और अपने शोगन के लिए दिखाइए और ज़्यादा प्यार। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, साइनिंग ऑफ टू स्टार ग्लोबल 111। बाय।